मैं तो चलो दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, अगर मुझसे कोई गलत बात आई है तो जब यहाँ पे जब सरकारी हॉस्पिटल में पैसे मांगे जाएंगे और पैसे दिए जाएंगे, अपना इलाज कर रहे थे, इनका भी मरीज अभी जाने, इनसे भैया मैंने कह रहे 251 रुपए मांगा जो कि मैंने इनके मरीज को मेरा पेशेंट एम्बुलेंस में बैठा हुआ, एम्बुलेंस वालों को पता कि मेरी क्या नाम है आपको? माधव कुमार। क्या मामला है, अस्पताल में क्यों आए हैं? सर मैं डिलीवरी कराने के लिए 10 तारीख को आया था और इधर आ गया 12:31 पे डिलीवरी हो गई। उसके बाद में आज छुट्टी का जब समय हुआ तो मेरे को 11 बजे छुट्टी हो जाने के बाद एम्बुलेंस 2 बुक केयर करने के बाद एक एम्बुलेंस बिठा भी दिया और बिठाने के बाद पैसे ना देने के कारण उसमें से उतार दिया गया। ये कौन है आपके साथ? मेरी वाइफ है। डिलीवरी हुई है? हाँ डिलीवरी हुई है। फिर क्या पैसे किसने मांगे हैं? तारा मैडम ने। कितने रुपए मांगे? 251। ये जो दवाएं आपके हाथ में है ये कहाँ अस्पताल से मिली, कहाँ दिखाएं जरा अल्ट्रासाउंड? ये बाहर से मिली है, बाहर से लिख के दी थी कि बाहर से लेकर आओ। बाहर से लिख के दी थी? किस जगह के रहने वाले हैं? ग्राम तिवारिया की। क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे किसी गरीब भाई को न सताया जाए। मैं तो चलो दे दूंगा, कोई बात नहीं, मगर मुझसे अगर कोई बड़ा कोई गरीब आ गया वो बेचारे यहाँ कौन पैसे देगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऐसा ना हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।